धमकी थमा थम। देखो देखो फोन आ गया है। हेलो, आपको आपको डरना नहीं है, बस ये भाई साहब। कौन बोला टट्टी है? गंदी लड़की। और ये जो भाई साहब ने मुझे उठाया है ना, भैया मेरा वेट कितना होगा? तो ऐसे कुछ भैया कंठी में बैठ के भैया केदारनाथ के दर्शन करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन और नया ब्लॉग। प्रॉपर दो तीन दिन से बारिश चल रही थी और आज उसे मौसम थोड़ा सा ठीक है। एक साइड से बादल भी है और एक साइड से धूप भी है। मॉर्निंग मॉर्निंग में ये नजारा है मेरे गांव का। पिछले दो तीन दिन के बारिश के चलते कुछ खेतों में हरियाली और पहाड़ों में हरियाली अब आने लग गई है। तो ये मेरा गाँव है, गाँव का नाम है खलपट्टा। वन टू थ्री फोर स्टार्ट। तो बाबा केदार के दर्शन करने के बाद मैं कल अपने गांव में आ गया था और यहां पर आपको पता है भैया गांव में नेटवर्क नहीं रहते तो डेली की ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। तो मंदिर से आने के बाद बाबा केदार और बद्री के दर्शन करने के बाद जो प्रसादी आती है ना, अपनी पहाड़ों में अपने गांव में एक रीति रिवाज है कि हम मंदिर से जैसे आते हैं तो सबको ये प्रसादी देना होता है। तो स्टार्ट अपने घर से अपनी फैमिली से कर रहा हूँ। प्रसादी लेके अभी मैं पहुंचा हूँ ताई जी के घर पे। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, ये प्रसादी ले लो। अम्मा क्या निकाल रहे हैं? अम्मा हरिया सब्जी। अच्छा, हरिया सब्जी देख सकते हैं, बिल्कुल हरी सब्जी निकाल रहे हैं। हरी सब्जी, विटामिन होता है ना। और बढ़िया शानदार सब्जी बनी। अच्छा अच्छा, पूरियों के साथ बनेगा? पूरी के साथ हलवा बनेगा, पूरी बनेगा, हरी सब्जी, हरी सब्जी बनेगा, सोना मटर बनेगा। अच्छा, और सांस और दही बनेगी। अच्छा, फिर खाएंगे। ऐसे स्टाइल बनानी होती है? ऐसे रख दिया, बिल्कुल थैला बना दिया। थैला मक्षिया का? हाँ, मक्षिया। रानी के ताराम डोला अगाम गामा वाला बाजा सा तत्त की भी गोया। अच्छा, कह दी रानी के ताराम डोला अगाम गामा वाला बाजा सा जगी चलाड़ी शुजा गाओ त्यारे खुटा की जावे मेरी आमा वाला बाजा चा। ओ रानी के ताराम डोला गामा गामा वाला बाजा चा। हाय गाइस, मजा आ गया ना अम्मा की आवाज सुन के यार। क्या जोड़ा सॉन्ग था और बड़ा मजा आ गया। चले अब आपको लेके चलते हैं भैया अपना उत्तराखंड। जो पैदल यात्रा चल रही थी ना, वहाँ की कुछ यादें आपको बताता हूँ। और सबसे पहले तो वैसे भी आज बारिश का मौसम है, घर पे कुछ कंटेंट है ही नहीं, सब लोग अपना आग वाग सेक रहे हैं। लेकिन अभी आपको लेके चलते हैं अपने उत्तराखंड यात्रा के कुछ यादें मेरे पास। ये गांव है माना गांव, जिसे कुछ टाइम पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन इस टाइम पे इस गांव को कहा जाता है भारत का प्रथम गांव। तो इस गांव में क्या विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, तो चले भैया निकलते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं, विजिट कराते हैं इस गांव में। और वैसे मैंने एक ब्लॉग तो पहले भी अपलोड किया चैनल में इस गांव को एक्सप्लोर करते हुए, तो जिन लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है वो ब्लॉग देख सकते हैं। तो चले भैया, क्या बन रहा है? स्वेटर। स्वेटर बना रहे हैं बच्चों के लिए। तो देख सकते हैं ये भैया हस्तकला है और अपने हाथों से बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं स्वेटर। कितने दिन में तैयार होता है? दो तीन दिन में। बहुत दिन में? तीन चार दिन। तीन चार दिन में तैयार होता है। तो कीमत क्या होगी इसकी? 400-300। वाह, ये बहुत अच्छे बनाए हैं ये मोबाइल रखने के लिए महिलाओं को, जब काम काज के लिए पहाड़ी महिलाएं जंगल के लिए निकलते हैं तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। इसमें फोन रख दे अपना और काम काज कर सकते हैं। अंकल इसकी कीमत क्या है? 150 रुपये का है। अच्छा, तो देख सकते हैं भैया, तो ये है पहाड़ी बुरास का जूस। ये देख सकते हैं टोपी बन रही है यहाँ पे। ये हमारा काम ही यही है, टोपी ये बनाना। कलरफुल कलरफुल तागा से ना, हाँ। इस टाइप का बनेगा बाद में बनने के बाद। सर यही क्या प्राइस होगी इसकी, कीमत केवल? ये बेटा ये 100 रुपया है। 100 रुपया। और एक कुछ जड़ी बूटी देख सकते, क्या क्या है ये? ग्रीन टी चाय मसाला। अच्छा, चाय मसाला, ग्रीन टी। इसको इसको खाने से क्या होता है? पथरी गल जाता है। अच्छा, पथरी गल जाता है। तो जो पथरी के जो मरीज हैं तो पत्थर चट्टा ले सकते हैं यहाँ पे। इसकी क्या कीमत है? आंटी आप क्या बना रहे हैं? स्वेटर बना रहे हैं। अच्छा, स्वेटर बना रहे हैं। कितने दिन में तैयार हो जाता? अब हो जाता थोड़ा थोड़ा, दो तीन दिन में एक पल्ला, दो तीन दिन में एक पल्ला। अच्छा, स्वेटर बना रहे हैं। और क्या क्या बनाते हैं? और वो एक कालीन बनाते हैं, कालीन। अच्छा, आसन, आसन बोलते, आसन ना बोलते हैं, कालीन बनाते हैं। अच्छा, टोपी बनाते हैं, मोजा बनाते हैं,
और ये पंखी बनाते। अच्छा हाँ जी। ये भीमशिला है सामने और ऊपर है सरस्वती नदी। अभी हम पहुंचे भारत की अंतिम दुकान में और यहाँ पे भैया अपना चल रहा चाय, देख सकते हैं ये भारत की अंतिम दुकान है। थैंक यू। तो भारत की अंतिम दुकान में भैया लो, तो कंडी वाले कुछ दाई, हेलो दाई, कहाँ से है? हम तो नेपाल से। सब नेपाल से? नेपाल से। अच्छा अच्छा, तो नेपाल पशुपतिनाथ से है हम। नेपाल कहाँ से? लेकिन इधर कंडी ढोने का काम करते हैं। अच्छा क्या करना? यात्री खूब आ रहे हैं। यात्री तो अब ऐसे ही है। केदारनाथ वाले में नहीं थे आप? केदार वाले में नहीं थे हम। अच्छा अच्छा, माना वाले, बद्रीनाथ वाले। अच्छा तो आप यहाँ कितने महीने रुकते हैं? हम 6 महीने रहते। 6 महीने जब तक कपाट खुलते हैं? अच्छा, खुलने से बंद होने तक। बंद होने तक। अच्छा अच्छा, कंठी बनाई है आपने, एक बार दिखा देना। कंठी बनाई है, कंठी बनाई है। इसमें क्या क्या आता? सामान भी आता ना? लोग भी आते हैं? लोग भी आते हैं, सामान भी, जो और कुछ डालो इसमें। अच्छा, इसमें बांस डालेंगे, 5000 रुपया लग गए। अच्छा, दो देख सकते हैं भैया, कंठी में बैठ रहा हूँ मैं, बहुत शौक है यार। ओके, हमारा भैया कंठी में बैठ रहे, देखो कंठी का शौक है, इसमें एक बार बैठना सहारे। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? देखो ये सीधा में थोड़ा तकलीफ हो रही है भाई साहब, ठीक है ना? आपको आपको डरना नहीं है, बस भाई साहब मजा से। अगर सीधा में दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो ऐसे कुछ भैया कंठी में बैठ के भैया केदारनाथ के दर्शन करते हैं, कई यात्री मैंने देखे, और ऐसे कुछ बैठना होता है कंठी में, ये बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है। बड़े चढ़ाई में चलो या डाउन में चलो, ऐसे कुछ ले जाना होता है। तो इन भाइयों को सलूट करता हूँ यार। भैया 22 किलोमीटर चलते चलते भैया खड़ी चढ़ाई में यात्रा कराते हैं बाबा केदारनाथ की। और इस टाइम पर देख सकते हैं मैं भी इस टाइम पर हूँ माणा गाँव में, और मुझे भी भैया इस बार बिल्कुल मस्त लग रहा है। कंठी में बैठा हूँ मैं और बिल्कुल पूरा हिमालय चारों तरफ से घूमता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो भाई साहब ने मुझे उठाया है ना भैया, मेरा वेट कितना होगा? 50-60 किलो। तो भाई साहब यार इनको ज़्यादा टाइम नहीं देते, कष्ट नहीं देते, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार मुझे नीचे उतार दीजिएगा। ओए हो, क्या बात है यार सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत आनंद आ रहा है। अगर आप भैया केदारनाथ में आने चाहते हैं या बद्रीनाथ में आना चाहते हैं तो ये भाई से संपर्क कर सकते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू है भैया, अपना फ़ोन नंबर दे दो, जो भी बद्रीनाथ में आना चाहते ना तो भाई के साथ यात्रा जरूर करना। अपना मोबाइल नंबर दे दो, लिखो। मेरा नंबर है 95-28-20-09-3। तो भाई का नंबर है, अगर आप बद्रीनाथ में आना चाहते हैं तो भैया राजू भाई को एक बार मौका जरूर देना। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आपका बैग वेटेड है या आपका आप वेटेड हैं, आप चल नहीं पाते हैं, तो भैया एक बार राजू भाई को कॉन्टैक्ट करना और राजू भाई के साथ में भैया चारों धाम की यात्रा करना कंठी में बैठे हुए। चले बाय। सल गोविंदी फाइली मिला ठमकी ठमा, ओए ठमकी ठमा ठमा, सब ठमकी ठमा ठमकी ठमा ठम, ओए चल गोविंदी पाइला मेरा झुमरे लागे चमलो ब, ठमकी ठमा चम चम ठमकी ठमा चम। क्या बात है, चमकी चमा चम। एंजॉय भी किया करो, हैं काम के साथ खूब एंजॉय, ठीक है बाय कर दो। तो बच्चे देख सकते हैं, हेलो, ये स्वागत हो गया है। जय हो जय हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हो। ये मेरे तो, चाचा लगते हैं। अच्छा, चाचा लगते हैं? मेरे भी चाचा हुए। नमस्ते चाचा। नमस्ते। आप क्या लगते हैं? मैं भैया। भाई ये बुआ। के नाम ची? अंकिता। के नाम ची? लक्की। लक्की। चले भैया निकलते हैं, ये स्वागत हो गया है भैया हमारा मलठा गांव में। और ये है सोनू भाई का गांव, वहाँ बिल्कुल पुराने डिजाइन में मकान देख सकते हैं, और नकाशी आपको कल अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जो डिजाइन है पुराने घरों की, ये सारा कुछ अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मजा आ गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? अच्छा दादी हैं। नमस्ते दादी, नमस्ते। तो फाइनली गाइस मेल्टा गांव में पहुंच गया हूं मैं, और ये आता आपका थराली से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे। और यहां पे मुझे दो भाई मिले भैया, स्पेशली ये चश्मा तो मेरा ही है भाई, कहां पहन दे रहा तू? ये लग रहा रजनीकांत वाला लुक, लोंगी डांस टाइप का। गाने सुनते हैं? गाते भी हैं तुम? गाना गाते हो?
क्यों? गाना गाते नहीं है ना, सुनते हैं बस। अच्छा सुनते हैं, गाते नहीं हो? एक गाना सुना दो यार आज। गाना अभी याद तो नहीं है, रात को कर लूंगा, फिर कल रात को याद करोगे? कोई पोयम थोड़ी है, ऐसे ही जो भी आता चलो सुना दो। बोल हीरा बोल, क्या चुतार मन मा, क्या बात है, दिल की बात बोल, क्या चुतार मन मा, कुछ नहीं है मेरे दिल में। अच्छा सबसे पहले ना गढ़वाली में बताओ हम, आपका घर कौन सा है? घर मेरा घर ऊंचा ऊंचा, मेरा घर ऊंचा, ये नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांशु का घोर है, और आपका घर कहाँ है? ये रहा ना सामने जी। अच्छा म्योर गोर, घोर कहाँ चू, घोर कहाँ ची? म्योर घोर वाचे। वाचे ना कख? तीरू। अच्छा तो वो सामने वाला घर का ची? उम्योच। अच्छा उम्योच। ये कौन है हाथ में? अंजलि। अंजलि क्या ले जा रही है? पानी। शर्मा क्यों रहे हैं आप? है? हेलो अंजलि, हेलो, क्या ले जा रही है? पानी। इसको क्या बोलते हैं? गेलन। क्या बोलते हैं? कट्टी। गेलन या कट्टी? कट्टी किसको बोलते रे? गेलन को। गेलन को कट्टी। कौन बोला टट्टी है? गंदी लड़की डब्बे को टट्टी बोल रही है। अच्छा गेलन बोलते हैं। चलो पानी भर के। घर कहाँ पे आपका? चले सामने। अच्छा ये मेरी बहन है। अच्छा ये है दादी। हाँ दादी नमस्ते कर दो। नमस्ते। नमस्ते दर्शकों के। नमस्ते। उम्र क्या होगी है? उम्र बहुत ही 60-70। कितनी होगी फिर? 60-70। 70-80-90-100। अब 60-60। हिंदी नहीं बोलते? नहीं बोलते। गढ़वाली बोलते हो? हाँ गढ़वाली बोलते हो। हाँ। अच्छा कुमाऊनी समझते हैं? ना कुमाऊनी भी नहीं समझते, एक ही भाषा आती खाली गढ़वाली आती है। हाँ। ये चाय भी आ गया, और पहाड़ियों का तो स्पेशल जो स्वागत होता है वो चाय के साथ ही होता है। हाँ। है ना, आप क्यों भाग रहे हैं? तो चाय के साथ करो। हाँ। तो दादी के साथ चेस करते हैं। ये देख सकते हैं, अब पियो। और दादी का फोन भी आ गया, देख सकते हैं फोन बज रहा दादी का। और पहाड़ी महिलाएं तो अक्सर एक पर्स बनाते हैं फोन के लिए, क्योंकि काम काज करते टाइम पे ना फोन गिरे ना तो दादी जी का कॉल आ रहा, देख सकते हैं। लिफाफा खोल रहे हैं। और मैं पे रहा हूँ चाय। देखो देखो फोन आ गया है। हेलो चुप रहो चुप। गाते ना बिसरी बाल गो नहीं पता ची जादी हो जाली गो फोन को कट करो, काट दो फोन को यहाँ। अच्छा पता है आपको फोन चलाना आता है? बक्के सालों में आना से चला दिन। अच्छा नाती चला दिन। हाँ। अच्छा अच्छा आपको नहीं आता है? ना। अच्छा आम चाहिए तो ये नोकोर गेम खेल बिगाड़ यार। अच्छा तो मैं हल्का सा समझ रहा हूँ, आता तो है लेकिन थोड़ा गेम खेलते बच्चों ने मोबाइल खराब कर दिया, ऐसा कुछ बता रहे हैं दादी जी। मैं समझ जाता हूँ गढ़वाली। हाँ मैं समझ जाता हूँ। और ये भैया चाय है शाम का तो इसको पीते हैं। और देखिए भैया कल का कुछ ब्लॉग कुछ स्पेशल होगा,